नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। एक ऐसी खतरनाक बीमारी जिसका पूरे विश्व भर में सबसे महंगा इलाज हो, एक इंजेक्शन की कीमत इतनी कि उसमें 50 से भी ज्यादा फॉर्चुनर कार आप खरीद ले, शायद एक आम आदमी इलाज के लिए इतने पैसे के सामने अपने घुटने टेक ले और अपने दिल पर पत्थर रख अपनों को कह दे कि माफ करना, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। लेकिन इस माता पिता ने अपने बेटे के लिए जो किया वो वाकई में मिसाल है, साथ ही मिसाल है उन लोगों की मानवता जिन्होंने बच्चे के लिए, जिसे वो जानते तक नहीं थे, उसे नया जीवन देने के लिए कई बॉलीवुड हस्तियों से लेकर क्रिकेट स्टार्स भी सामने आए। आपको बता दें कि हैदराबाद में रहने वाले इस बच्चे का नाम अयांश है, जो कि अभी सिर्फ 3 साल का ही है, जो कि स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी यानी कि SMA नाम की बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी से लड़ने के लिए और अयांश को एक इंजेक्शन की जरूरत थी जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए थी। इस इंजेक्शन का नाम जोलगेंसमा है। डॉक्टरों ने जब ये बात अयांश के माता पिता को बताई तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे के लिए दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन मंगवा सकें, जो कि भारत जैसे विकासशील देशों में ना ही बनता है और ना ही उपलब्ध है। अगर ये दवाई आती भी है तो अमेरिका से। इतने पैसे एक इंजेक्शन के लिए अयांश के माता पिता ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने खिलाड़ियों और बॉलीवुड हस्तियों के सामने मदद के लिए हाथ फैला दिया। इसमें मीडिया ने भी अयांश के माता पिता की मदद की, जिसके बाद देखते ही देखते 62,450 से भी ज़्यादा लोगों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। इसमें आपको बॉलीवुड स्टार से लेकर क्रिकेटर्स भी शामिल रहे, जिनमें मुख्य रूप से विराट कोहली, अजय देवगन, अनिल कपूर, अनुष्का शर्मा, श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट, राजकुमार राव, कार्तिक आर्यन, अर्जुन कपूर के साथ साथ आर अश्विन, वॉशिंगटन सुंदर, दिनेश कार्तिक जैसे बड़े नाम शामिल रहे। इन लोगों की मदद से कुल 14,84,00,000 रुपए इकट्ठा हुए, जिसके बाद अयांश के इलाज के लिए अमेरिका से दवा मंगवाई गई जिसकी कीमत $21,25,000 है। यह इंजेक्शन अयांश को 9 जून को दी गई, तो वही महत्वपूर्ण बात यह रही कि मोदी सरकार की तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भी इस इंजेक्शन के ऊपर से लगभग 6 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया, जिस पर अयांश के पिता योगेश गुप्ता ने भी उन सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनके बेटे के इलाज में सहयोग किया। आपको बता दें कि स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी बीमारी में बच्चे की ऊपरी और निचले अंगों की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं, जिससे बच्चे को सांस लेने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये बीमारी 10,000 बच्चों में से किसी एक को हो जाती है। भारत की बात करें तो इस वक्त करीब 800 बच्चे ऐसे हैं जो इस बीमारी से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। ये बीमारी इतनी घातक है कि इस बीमारी की वजह से ज़्यादातर बच्चे 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाते हैं। कहते हैं कि एक एक उंगली से किए गए वार, तो वहीं 5 उंगलियों को मिलाकर मुक्के से किए गया वार कितना मजबूत होता है, ये आप भी जानते हैं। आप भी ऐसे बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए लोगों का सहयोग करें और खुद भी इंसानियत की एक मुस्कान का हिस्सा बने। कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिखकर जरूर बताएं, और ऐसी खबरों को देखने के लिए आप भी सब्सक्राइब कर बने रहें वीके न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।